है मुख्यमंत्री जिस तरीके से? हाँ भाई श्याम सिंह जी, बहुत 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 बधाई है इस क्षेत्र की जनता को, क्योंकि इस क्षेत्र की जनता के लिए आज मुख्यमंत्री जी यहाँ आए हैं और मुख्यमंत्री जी बहुत बड़ी सौगात यहाँ की जनता को देकर जाने वाले हैं। और यहाँ पर जो पिछले दिन कुछ पत्रकार पूछ रहे थे कि किसान नहीं आएंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ कितने किसान हैं। और हम लोगों ने उन किसानों को जो एक संदेश दे दिया है कि जो किसान धरना पर बैठे थे कि देखिए सारे किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। विशेषकर रहने वाला है कुछ भाई ज्वालापुर विधानसभा के लिए? नहीं, ज्वालापुर विधानसभा के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए ही बहुत अच्छा रहेगा। और ज्वालापुर विधानसभा के लिए जो लोग भ्रांतियां फैला रहे थे उनको यहाँ से संदेश ले लेना चाहिए कि ज्वालापुर विधानसभा में क्या होगा। धन्यवाद। 47 करोड़ की योजनाओं का आज शिलान्यास किया है PW के लिए, लोक निर्माण विभाग की 47 करोड़ की योजना है। और बहुत सारे कार्यक्रम हमारे जो थे, जो घोषणाएं की गई हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। हमारे क्षेत्र की जो मूलभूत समस्याएं थी, जैसे हरिपुर टोंगिया को राजेश गांव को बनाना, डिग्री कॉलेज की स्थापना करना, इंटर कॉलेज की स्थापना करना, PSC की स्थापना करना, ये क्षेत्र की जनता के लिए एक सौगात है। किसान मेला इसलिए हमने ग्रामीण क्षेत्र में लगाया ताकि हम ग्राम की जनता को कुछ दे सकें और वो दिलाने में हम सक्षम रहें। माननीय पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हैं। कुछ लोग होते हैं, अभद्रता होते हैं, उसके बारे में कोई ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, देर सवेर सब ठीक हो जाते हैं। वो तो हम ही ठीक करा देंगे, वो तो हम ही ठीक करा देंगे। मैं कह रहा हमारी वो हम खुद ही ठीक करा देंगे, आप चिंता ना करो। मैं कह रहा जल्दी करा करो। मैं कौन सी वाली रोड की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो पास हो गया, टेंडर हो गया 1,76,00,000 का, आपको बधाई। नहीं लिखा नहीं है, शुभारंभ करने वाला हूँ, शुभारंभ करने वाला हूँ, टेंडर हो चुके हैं। अरे नहीं, अरे मेरा विद्यालय वहाँ, मैंने विद्यालय दिया, अटल आदर्श विद्यालय दिया मैंने, इंटर कॉलेज वहाँ पर, और वो बच्चे मेरे पढ़ने जाएंगे। और उसके अलावा एक नाला मैं अलग नदी के अंदर बनवा रहा हूँ ताकि पानी का बहाव दूसरी तरफ जाए। मुख्यमंत्री का दौरा पूरा हो चुका है और मुख्यमंत्री जा चुके हैं यहाँ से, और क्षेत्र को लेकर विशेषकर 43 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बताए जा रहे हैं जो इस क्षेत्र में आएंगे, और किसानों को लेकर विशेषकर कुछ चेक्स उनको दिए हैं जो जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में काम किया, पशुपालन में जिसने काम किया उनको चेक्स मिले हैं और उनको धनराशि दी गई है यहाँ पर। लेकिन देखना होगा भाई 2022 में यहाँ की जनता किस तरीके से आकलन करती है। और विशेषकर दो पार्टियाँ हमें यहाँ पर दिखाई दी, जो यहाँ पर कार्यकर्ता आए हुए थे, दो पार्टियों के कार्यकर्ता दिखाई दिए हमें, BJP के कार्यकर्ता थे लेकिन दो प्रत्याशियों के कार्यकर्ता यहाँ पर दिखाई दिए, एक देवंत प्रधान और एक तरफ सुरेश राठौर के वो कार्यकर्ता थे, और नारेबाजी खूब हुई यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच। और मुख्यमंत्री को भी मंच से कहना पड़ा कि भाई यहाँ क्यों भाषणबाजी आप ये कर रहे हैं, नारे क्यों लगा रहे हैं, उसके बाद ये संबोधन हुआ। लेकिन देखना होगा भाई किस तरीके से यहाँ पर होगा, किस तरीके से टिकट का बंटवारा यहाँ पर होगा भारतीय जनता पार्टी करेगी। चैलेंजिंग होगी यहाँ पर स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए। बने रहिए न्यूज़ ऑन नेटवर्क के साथ, और लोग नेताओं से हम लोग बातचीत करेंगे भाई क्या विशेष रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।